Today we are going to start new chapter, that is electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential, आधे चैप्टर हम लोग electrostatic potential के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद capacitance के बारे में start करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं electrostatic क्या होता है। electrostatic इसके पहले था हमारा चैप्टर चार्ज के बारे में पढ़े, तो वहाँ पे electrostatic field थी, means जहाँ पे जो भी study कर रहे थे वो static position में थी, मतलब रुका हुआ था, electron at the position of rest में था, electron rest में था। अब यहाँ पे क्या electrostatic potential, तो इसको start करने से पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा है potential difference, पहला टर्म हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो नाम से क्या पता चल रहा है, पोटेंशियल का जहां पे डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। एग्जांपल के लिए एक चार्ज रखा गया, समझ लेते हैं यहाँ पे चार्ज है प्लस का क्यू, ठीक है। इसकी कुछ डिस्टेंस पे एक हम लोग बाहर से चार्ज लाते हैं जिसका चार्ज है माइनस क्यू, या फिर समझ लेते हैं प्लस क्यू है, ठीक है। अब देखो उस चार्ज लाने पर इस चार्ज पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अगर पॉजिटिव रहेंगे तो रिपल्शन होगा। वो जो डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल का दोनों चार्ज के बीच में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। जब ये इसके पास आएगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उस अट्रैक्शन रिपल्शन से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कितना है और पहले बाद में कितना पोटेंशियल होगा, मीन्स एक पॉइंट के लिए बी ले लेते हैं, एक पॉइंट के लिए वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, चार्ज लाया जा रहा है यहाँ पे। अगर चार्ज को हम ला रहे तो क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, किसमें वर्क किया जा रहा है, चार्ज किया जा रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W by Q के इक्वल हो जाएगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके द्वारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे जनरेट होगा, इस चार्ज को यहाँ से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, वहां पे क्या होगा, इसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मूव कराया, जैसे ही अगेंस्ट मूव कराएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, दैट वी कॉल डब्ल्यू बाई की, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। ऐसा यूनिट क्या होगा, देखो ये हमारा पोटेंशियल, फिर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसके साइन होगी वोल्ट, क्या होगा ये वोल्ट होगा, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू है, डब्ल्यू बाई क्यू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू क्या होता है वर्डन, वर्डन क्या होता है जूल, क्यू क्या होता है चार्ज, दैट इज कूलम। तो क्या हो गया, जूल पर कूलम, और वी से दैट वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस का साइन नोट क्या हो गया, वोल्ट, या फिर कहे तो जूल पर कूलम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आते हैं इसमें एक और टर्म, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत आसान टॉपिक है। अब देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब हो गया कि मान लो यहाँ पे एक, यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट ले लिया समझने के लिए, या एक सरफेस है यहाँ पे, कोई भी तरीके से यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है, या फिर कहे तो कोई चार्ज नहीं, कोई फील्ड नहीं है। हमने फॉरेन से बाहर से इंफिनिटी पॉइंट से एक चार्ज क्यू को लाया यहाँ पे, और इस पर कोई रिपल्शन होगा, कोई भी रिपल्शन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन होगा, कोई अट्रैक्शन भी नहीं होगा। मीन्स जब इस चार्ज को इस पॉइंट पर ला रहे कोई रिपल्शन और कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ इसके पास क्या है पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होगा डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू लिखा गया क्योंकि इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पर ला रहे हैं, तो वहां पर वर्क हुआ, वर्क किस पे हुआ, जिस चार्ज पे, उसको हमने लिख दिया क्यू। तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होगा, दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू, और उसे दैट एसआई यूनिट वोल्ट। नेक्स्ट दोनों के साइन सेम होती है, वोल्ट होता है और जूल पर कूलम। नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया, मींस अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ जाए एक पॉइंट चार्ज में कितना होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्म में कितना होगा, उसको हम लोग फाइंड करते हैं। फॉर्मूला पता चल गया, फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू बाई की, तो सबसे पहले हम लोग डब्ल्यू निकाल लेंगे, उसको हम लोग चार्ज से डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो किसका फॉर्मूला होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज चलो एक डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हैं इसको, इस तरीके समझते हैं, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं क्यू और दूसरे चार्ज क्यू नॉट को एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मूव कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा गया है और एक पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट लाया गया पॉइंट ए से, उसको मूव कराया गया पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक, यहाँ पे बी तक मूव कराया गया इस क्यू नॉट चार्ज को, ठीक है। मीन्स इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस, इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं डी एक्स डिस्टेंस मूव कराया गया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हो गया Q,
क्यू, इसका चार्ज कितना है क्यू है, ठीक है। डिस्टेंस ले लेते हैं, एक तो ये डिस्टेंस हो जाएगी जहां से चार्ज जहां तक मूव किया है और मेन जहां तक पहुंचा है वो डिस्टेंस हो जाएगी, दोनों डिस्टेंस है। आप लोग ये डिस्टेंस कितने ले लेते हैं, इसको एक्स ले लो और इसको ले लो आर। अब यहाँ आप लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। अच्छा वर्क डन होता क्या है, सबको पता होगा वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस एफ डॉट डी एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल हमारे इसलिए हमने यहाँ पे डी एक्स लिखा है, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन मिल जाएगा हमको। चलो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है 1/4πε₀ q1 q2 r² q1 कितना है q की इक्वल है, q2 कितना है q0 की इक्वल है और डिस्टेंस कितनी है हमारे पास x² है, ठीक है। समझो इस चीज को, 1/4πε₀ q0 x² इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। चलो यहां पे रख दो, ठीक है। इस फॉर्मूले में इसको उठा के रख देंगे, देखो क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो मींस कैपिटल w को फाइंड करना है तो कैपिटल W ये इसको फाइंड करना है, स्मॉल W को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इंफिनिटी से लेकर के पॉइंट आर तक, क्योंकि इस चार्ज को बेसिकली कहाँ से लाया गया, इंफिनिटी से लाया गया, कहाँ तक लास्ट में लाया गया, डिस्टेंस आर तक लाया गया, ठीक है। तो इंफिनिटी से कहाँ लाया गया, आर तक लेके आया गया, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसको बाहर कर लेंगे, जो वेरिएबल टर्म होगा उसको अंदर कर लेंगे। सबसे पहले इस फोर्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε₀ q0 x² फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। डॉट डी एक्स लगा दो यहाँ पे। अब देखो 1/4πε₀ तो कांस्टेंट वैल्यू है और चार्ज की भी मैग्नीट्यूड फिक्स होगा, क्यू और क्यू नॉट इनको पता है कितना होगा। अब बात करें एक्स की तो वो एक्स हमारा क्या होगा, वो वेरिएट करेगा कि चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, वो डिस्टेंस वेरिएट होगी। अब देखो फॉर्मूला तब इसका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दो, 1/4πε₀ यहाँ पे बाहर हो गया है और यहाँ पे क्यू और क्यू नॉट भी लिख दी समय, अंदर क्या बचेगा, देखो इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा हम लोग को, 1/x² डॉट डी एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 1/x² को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे प्लस वन करेंगे, ठीक है। अगर देखो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, x-2 को, ठीक है, x-2 को इंटीग्रेशन में क्या होता है, ऊपर वाले टर्म को क्या करना है, वन से ऐड करना, ठीक है। वन ऐड कर दो क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा, समझो x-2 है यहाँ पे, x-2 है, प्लस वन कर दोगे और जो पावर आता है उसको आगे से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। प्लस वन करो इसमें कितना हो जाएगा, -1, तो आगे वही चीज़ हो जाएगा और x-1 होता है, x इनवर्स कितना होता है, 1/x के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, q q0/4πε₀ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x माइनस का सिंबल लग जाएगा, डॉट हमने dx करने के बाद हमारा आया फ्रॉम इंफिनिटी टू लेकर के r तक, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आ गया, ठीक है, इन्फिनिटी से r था तो इन्फिनिटी से r मैक्सिमम कहाँ था, r तक गया था। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, q q0/4πε₀ यहाँ पे लग गया हमारा, इस तरीके से लिख दो इसको, 1/r माइनस था किसके इक्वल, 1/∞ लिखो यहाँ पे, 1/∞ और 1/∞ क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या फिर हट जाएगा वो, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 1/r बचेगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, q q0/4πε₀ डॉट 1/r यहाँ पे बच गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, v इक्वल्स w/q होता है, चलो इसको अलग से कर लेते हैं, कहने को तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/4πε₀ q q0/r के इक्वल हो गया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, r यहाँ पे पता चल रहा ना क्या है, r ही हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। मीन्स चार्ज जहाँ तक पहुँच रहा था मैक्सिमम पॉइंट उसके पास तक, कैपिटल Q के पास जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो डिस्टेंस हमारी क्या थी, r के इक्वल थी। तो w कोस्ट क्या होता है, f/q के इक्वल होता है, ठीक है। W कोस्ट क्या होता है, f/q के इक्वल होता है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, v को फाइंड करना है, तो v कोस्ट क्या लिख दो, w/q डिवाइड कर देंगे q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बच जाएगा v का, v इक्वल्स टू 1/4πε₀ q1 q2, हर से q2 हट जाएगा, q/r हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला।
एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं, देख लो इसको, v इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, ठीक है। तो डायपोल दो पॉइंट को होता है, एक हमारा होता है एक्सियल और दूसरा होता है इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पोजीशन कैसे होती है, एक्सियल मतलब सेम प्लेन पे लाई कर, इक्विटोरियल ब्रॉड ऑन पोजीशन बोलते हैं, मींस एक परपेंडिकुलर पोजीशन पे चार्ज लाई करेगा, ठीक है, उस केस को बोलते हैं हम लोग इक्विटोरियल। सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए दो चार्ज लेते हैं, एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज। इस तरीके से कुछ डायपोल हमारा, यहाँ हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास है प्लस क्यू। किस बेसिस पे कहाँ पे फाइंड करना है हमको, फाइंड मान लेते हैं इस पॉइंट पी पे फाइंड करना, ठीक है। देखो उसी सेम प्लेन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले हम लोग किसका कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पी पे फाइंड करना है, तो डिस्टेंस अलग अलग कर लो दोनों की, और दो डायपोल के बीच जो चार्ज होता है उनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है, 2a के डिस्टेंस होती है, किसकी इक्वल होती है 2a के। अगर हम पॉइंट यहाँ पे o मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a के इक्वल हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये a के इक्वल हो गई, ठीक है। तो देखते हैं इस चार्ज की यहाँ से क्या डिस्टेंस, यहाँ से क्या डिस्टेंस, दोनों जगह से अलग अलग डिस्टेंस होगी। तो q से जो डिस्टेंस है इसकी ये r है, ये डिस्टेंस जो है ये सेंटर ऑफ पॉइंट से r है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर वहां तक कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इस चार्ज की, उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r प्लस a, इस वाले चार्ज की यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस a के इक्वल हो जाएगी। तो दोनों को डिस्टेंस लिख दिया, r प्लस a हो गया और दूसरा कितना हो गया r माइनस a के इक्वल हो गया। तो टोटल हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा दैट इज v1, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा दैट इज v2, दोनों को ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 के इक्वल होगा। पोटेंशियल फॉर्मूला को पता भी हमने डिराइव किया था, 1/4πε0q/r के इक्वल होता है। चलो यहाँ पे रखते हैं 1/4πε0q/r, यहाँ पे चार्ज पहले कितना है, यहाँ पे माइनस चार्ज माइनस क्यू। अच्छा r डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे देखो इसकी डिस्टेंस कितनी है, p पॉइंट से r प्लस a, यहाँ पे लिख दो r प्लस a, प्लस दूसरे वाले का भी लिख दो 1/4πε0 प्लस का q है, डिस्टेंस कितनी है उसकी r माइनस a के इक्वल है। तो ये आ गया पोटेंशियल दोनों का। अच्छा यहाँ पे जो कॉमन है उसको अलग कर लो, देखो ये माइनस चार्ज है ये प्लस का चार्ज है, लेकिन है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ पे q क्या ले सकते हैं एज अ कॉमन निकाल सकते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से q कॉमन ले लो, 4πε0 तो कॉमन है ही, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1/r-a, और बीच में सिंबल कौन सा रहेगा माइनस का रहेगा, अपॉन 1/r+a, ठीक है। इस माइनस को हमने हटा दिया यहाँ से, इसको प्लस से माइनस कर दिया, और q अपॉन एप्सिलॉन कॉमन हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर निकालो और इसको साइड से करो, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, q अपॉन 4πε0 r प्लस a माइनस r माइनस a, इसको ब्रैकेट में कर दो, अपॉन इसको सॉल्व करें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे देखो इसको ओपन करोगे तो आर प्लस आर माइनस आर से कट जाएगा, और ए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a के इक्वल हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, q इंटू 2a आ जाएगा। देखो नीचे क्या बचेगा, 4πε0 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। p इक्वल्स टू q इंटू 2a होता है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होती है 2a के इक्वल होती है, चार्ज कितना होता है q, तो फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल्स टू q इंटू 2a, p इक्वल्स टू q इंटू 2a के इक्वल होता है। यहाँ हम लोग p लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो देखो पोटेंशियल कैलकुलेट हो चुका है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कितना निकल के आया हमारा, 1/4πε0 और p अपॉन r स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला सही है, ठीक है, वी वी हमारा निकल के आ गया, लेकिन जो हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर डायपोल शॉर्ट होगा, फॉर शॉर्ट डायपोल, डायपोल जो है छोटा होगा, ये फॉर्मूला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बन के आया हमारा, इसमें भी देखो हम लोग रखेंगे भी 4πε0r² - a² तो शॉर्ट डायपोल होगा, बताओ मुझे r छोटा होगा या फिर a छोटा होगा, यहाँ पे क्या होगा, a छोटा होगा। शॉर्ट डायपोल मतलब डिस्टेंस क्या है, a काफी कम होगी, अगर डिस्टेंस काफी कम होगी r से, तो हम इस तरह लिख सकते हैं मीन्स ए स्क्वायर इज टू मच लेस देन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कंपेरिजन ए स्क्वायर बहुत छोटा है, हम लोग एक वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर को तो निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। नेक्स्ट अब उसके आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, देखो एक्सियल हम लोग निकालना सीख लिया, फॉर्मूला पता चल गया, इक्विटोरियल अभी इसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है ना। मीन्स अगर मान लो जरूरी थोड़ी ना तुम्हारे पेपर में आए एक्सियल और इक्विटोरियल पूछे, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, तो किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे सीख लेंगे कि हर एक किसी भी पॉइंट पे पूछेंगे एक्सियल और इक्विटोरियल के अलावा, उससे हम लोग एक्सियल और इक्विटोरियल को भी प्रूव करेंगे कैसे ये फॉर्मूला इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, डायपोल लगा लेते हैं, यहाँ पे डायपोल हो गया हमारा, डिस्टेंस ले लेते हैं ए हो गया और ये बी हो गया, चार्ज लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे कितना चार्ज है प्लस का क्यू हो गया, ठीक है, डायपोल, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी ए हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए, जैसे करते आ रहे थे ये हो गया डिस्टेंस ए, ठीक है, क्योंकि डायपोल डिस्टेंस कितने थे 2a, तो आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए और ए, मान लेते हैं यहाँ पे फाइंड करना, ठीक है, इस पॉइंट फाइंड करना है, इस पॉइंट ले लो पी जहाँ पे फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालो ए के पॉइंट से कितना होगा डायपोल से, चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, इसको ले लेते हैं आर वन, ये ले लो आर टू, और ये डिस्टेंस एक सेंटर ऑफ पॉइंट्स हो गया, दैट इज आर वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से डायपोल बना हुआ है, यहाँ पे अगर हम कहें इस डिस्टेंस को देखना, यहां से इस डिस्टेंस को, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू लिख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस हुई यहां से लेकर के आता जो हमने कट लगा दिया यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, ये जो हमने कट लगाया यहाँ पे, इसको हम लोग आर वन माइनस आर टू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस को जब माइनस करोगे तो वो इतना ही गैप आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई वी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू के इक्वल होगा, तो वी वन क्या होगा हमारा, वी वन जरा यहाँ पे बता दो, वी वन के एक साथ लिख दो 1/4πε0 Q अपॉन Q कितना है माइनस का Q है, ठीक है, अपॉन R डिस्टेंस कितनी यहाँ पे R1 के इक्वल है, प्लस कर दो दूसरे वाले के इक्वल 1/4πε0 Q, दूसरा वाला कितना है हमारे पास है प्लस का Q है, ठीक है, अपॉन R2 डिस्टेंस ले लो, क्योंकि R2 डिस्टेंस पॉइंट P से फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखो क्या कॉमन लिस्ट, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यहाँ पे कर दो माइनस और यहाँ पे ले लो Q अपॉन 4πε0 कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 1/r1 r2 माइनस 1/r1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, q अपॉन 4πε0 अंदर क्या आ जाएगा r1 - r2 / r1 r2, इस तरीके से फॉर्मूला आ गया v का। अब देखो r1 - r2 क्या लिख सकते हैं, r1 - r2 को ये हमारा है क्या, इसको हमको अगर कैलकुलेट करना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कॉस थीटा यहाँ पर अगर लगाते हैं फॉर्मूला, देखना समझना इस चीज को, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस कितना है, बेस हमारा है r1 - r2, बेस कितना है r1 - r2, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी के इक्वल है, तो हम लोग r1 - r2 क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा डिस्टेंस कितनी 2a के बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a cos theta भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं r1 - r2 2a cos theta भी लिख सकते हैं, और r1 into r2 क्या होगा, मे बी कंसिडर एज r1 और r2 को इक्वल समझते हैं हम लोग, और r1 और r2 क्या लिख सकते हैं r1 into r2 हम लोग क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर, ठीक है, जो डिस्टेंस है r1 को r के इक्वल लेंगे, r2 को r के इक्वल, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं r स्क्वायर। अब उठा करके इस फॉर्मूले को यहाँ पे रख देना है सिंपल, ठीक है, देखो क्या होगा,
फॉर्मूला क्या था हमारा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन माइनस आर टू, क्या लिखना था टू ए कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आर वन इंटू आर टू आर स्क्वायर इक्वल होगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, ये हो गया पोटेंशियल। अच्छा अब इसको थोड़ा सा और ओपन कर दो, q यहाँ पे 2a, तो q into 2a क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, p हो गया cos theta लगा दो, p cos theta upon r square, this is a formula for electric potential at any point, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 upon 4 pi epsilon naught p cos theta upon r square, ठीक है। चलो एक बार प्रूफ कर लेते हैं क्या एक्सियल फॉर्मूला हम लोग का सही आया था, एक्सियल का फॉर्मूला क्या आया था, एक्सेल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर आया था, ये फॉर्मूला आया था, सॉरी हमने p डिस्टेंस लिया था, ठीक है ये p हमारा p अपॉन r स्क्वायर। चलिए यहां से देख लेते हैं एक्सेल के लिए कितना आएगा फॉर्मूला, एक्सेल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेल में क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लेंथ में कैलकुलेट करते हैं, वहां पे थीटा कितना होगा, 0 के इक्वल होगा और कॉस 0 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। फॉर्मूला क्या आना चाहिए था, पी एक्सेल का वी एक्सेल कितना आना चाहिए था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, क्या यही फॉर्मूला आया था, हाँ यही फॉर्मूला आया था। हमने कहा था इसी से हम इक्वेटोरियल भी कैलकुलेट करेंगे, चलो इक्वेटोरियल देख लेते कितना होगा, इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर था इसका मतलब थीटा कितना होगा 90 डिग्री की इक्वल होगा, रखो 90 यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस 90 अपॉन आर स्क्वायर, कॉस 90 कितना होता है 0 की इक्वल होगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा, इक्वेटोरियल कितना आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखेंगे किसी भी स्फेरिकल सेल के लिए कितना होगा, ठीक है थिन स्फेरिकल सेल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल के लिए कितना होगा, ठीक है स्फेरिकल सेल ले लेते हैं, स्फेरिकल सेल की जो डिस्टेंस रेडियस है कैपिटल आर है, किसी पॉइंट पर अगर बाहर फाइंड करना उसको ले लेते हैं स्मॉल आर, कुछ इस तरीके से कंडीशन थिन स्फेरिकल सेल बोला गया, जिस तरीके से बना लो। अंदर की रेडियस ले लो कैपिटल आर और किसी बाहर पॉइंट पी पॉइंट पूछा गया इसको ले लेते हैं हम लोग स्मॉल आर के इक्वल होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे वी का, वी कोस्ट होता क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर के इक्वल। तो पहली कंडीशन देखते हैं, अगर हमको फाइंड करना है व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, पी अगर पॉइंट आउटसाइड बाहर है तो पी लाइज आउटसाइड, पी अगर बाहर होगा तो किसी बाहर पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कितना होगा, तो वी इक्वल्स फॉर्मूला अप्लाई करना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, अब देखो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस क्या होगी, यहां पे पॉइंट पी यहां पूछा गया बाहर होगा तो मींस डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल आर, यहां इस कंडीशन के लिए स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस, व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सेल, P कहाँ lies कर रहा है, P lies on shell surface, सेल के सरफेस पे lie कर रहा है, ठीक है। अगर सरफेस पे lie कर रहा है तो means क्या होगा, कैपिटल R small r के इक्वल होगा, means क्या होगा कैपिटल R small r के इक्वल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught P upon capital R, means capital R equals to small r, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यहाँ हम लोग स्मॉल आर भी लिख सकते हैं अगर डिस्टेंस को हम लोग इसको रिड्यूस करके यहाँ पे कर देते हैं तो, ठीक है। थर्ड केस है व्हेन पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सरफेस, पी लाइज इनसाइड द सरफेस,
सरफेस के अंदर अगर लाई कर रहा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस के अंदर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर से ज्यादा होगा, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम वही 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट पी अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया स्फीयर के अंदर का। ठीक है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला इसका बनता है। अब देखो आप एक चीज समझ में आ गई होगी, एक अगर डायग्राम बनाते हैं हम लोग, मींस अगर हम बात करें सेल के सरफेस तक जब तक हम जाएंगे तो आर के कैपिटल आर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, फिर उसके बाद स्मॉल आर के साथ इनवर्स रिलेशन होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, एक्स और वाई एक्सिस का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये मान लेते कुछ इस तरीके से हमारा स्फीयर था। ठीक है, तो जहां तक स्फीयर का सरफेस होगा वहां तक कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां तक स्फीयर है देख लो नीचे, स्फीयर यहां तक है तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन क्या था, r स्क्वायर, कैपिटल r था जब तक सरफेस से सरफेस था, r स्क्वायर है सॉरी r हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस r होती है। ठीक है, r स्क्वायर नहीं होगा यहां से, उसके बाद डिक्रीज करेगा, फर्दर क्या होगा इसके बाद डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो मीन्स वी इक्वल्स टू या डायरेक्टली बोल सकते हो 1/r, इसके बाद क्या चलेगा 1/r हो जाएगा, मीन्स पोटेंशियल क्या होगा इसके बाद स्मॉल r के साथ डिक्रीज करेगा और सेल के सरफेस तक क्या होगा कैपिटल r के साथ डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अनदर टॉपिक, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े थे हम लोग, चैप्टर फर्स्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज एफ अपॉन क्यू के इक्वल होता है, और पोटेंशियल क्या होता है बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल, तो दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है उस रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल भी आपस में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, देखो रिलेशन बहुत आसान है, या तो हम डायमेंशनली प्रूफ करें या डायरेक्ट फॉर्मूले से अप्लाई करके इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो अगर फॉर्मूले से प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे, फोर्स कितना लगेगा किसी भी चार्ज पे अगर इसको एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक मूव करा रहे हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना लगेगा, F equals to minus Q naught E, ये कहां से आया हम लोगों को पता है, E equals क्या होता है force upon charge, F equals क्या हो जाएगा Q into E के equal होगा, इसलिए हमने क्या लिख दिया F equals to Q naught E लगा दिया, point charge से Q naught E, तो इसका work done कितना होगा, और work done क्या होता है force multiply by distance, force multiply by distance, तो force यहां पे F ले लेते हैं। ठीक है, तो F ले लिया हमने, formula लगा दो Q naught E हो गया। ठीक है, multiply by distance, distance हो गया dr, dr डिस्टेंस मूव कर, हमने कहा शॉर्ट डिस्टेंस मूव कराना तो हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया dr लिख दिया। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का देखते हैं वर्णन कितना होगा, ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्णन, अब पोटेंशियल का वर्णन क्या होगा, v इक्वल्स टू देखो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू w अपॉन q, तो w इक्वल्स क्या हो जाएगा v इंटू q नॉट, ये q नॉट है, v इंटू q नॉट के बराबर होगा। अगर यहाँ पे कहें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको ऐसे लिखेंगे V B माइनस V A के इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया हमारा इसका वर्डन, और वी सी दैट Q naught dB लिखो या फिर डेल्टा V, तो दोनों का वर्डन आ गया, दोनों के वर्डन को एक साथ रिलेट कर दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्डन क्या है कि एनर्जी तो है, तो Q naught E इसका E dr इक्वल्स टू इसका रिलेट कर दो Q naught dB, तो Q naught कैंसिल आउट हो गया, तो dV इक्वल्स क्या आ गया E dr, या फिर हम लोग लिख सकते हैं E equals to minus dV upon dr, this is the formula for electric field, और we say that relation between electric field and electric potential, ठीक है, E और V का relation हो गया। Next another topic is equipotential surface and their properties, equipotential surface, नाम से पता चला है equipotential, where at every point the potential of a substance is same or similar, जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सिमिलर होगा उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, एनी सरफेस दैट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम,
तो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज देख लो क्या होगी। पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। क्यों वर्क नहीं होगा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है हमारा, अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो क्यू नॉट डी वी की इक्वल होता है या क्यू नॉट डेल्टा वी की इक्वल होता है, ठीक है। और डेल्टा वी हमारा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमेशा जीरो की इक्वल होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, जीरो की इक्वल हो जाएगा, तो कोई भी वर्क नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं एक सरफेस हमने बना दी है जहां पे डेल्टा वी जीरो मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर यहाँ पे बात करें तो मीन्स रेज जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कैसे, क्यों परपेंडिकुलर है, देखो रिलेशन E इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, ये हमारा टर्म हट गया। E और डी आर का रिलेशन देखो, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी आर, मीन्स डिस्टेंस के साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है, मीन्स E इज इनवर्सली रिलेटेड टू डी आर, और वी से दैट E is directly proportional to 1 upon dr, means अगर dr बढ़ेगा तो E क्या होगा, decrease करेगा, इसलिए क्या होता है वो perpendicular direction में होता है हमेशा electric field, means equipotential surface, the electric field always normal to the every point, normal to every point. Next, no two equipotential surface can intersect each other, कभी भी दो equipotential surface आपस में intersect नहीं करती, अगर वो इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही पॉइंट के लिए या एक ही इंटरसेक्शन के लिए दो वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, दैट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, नेक्स्ट अनदर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको पता क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पढ़े थे हम लोग, एक किसी पॉइंट चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी भी जगह पे लाना जहां पे पहले से ही पोटेंशियल ना हो, ठीक है। अगर पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, अगर पहले से पोटेंशियल नहीं है तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, समझो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी, मींस नंबर ऑफ चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला करके इकट्ठा करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको समझते हैं कैसे होगा, मान लेते हैं यहां पे पहले से हमने पहले एक चार्ज Q1 को लाया, ठीक है, फिर दूसरे चार्ज Q2 को लाया, फिर थर्ड चार्ज, के सब चार्ज कहाँ से ला रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे ला रहे हैं। पहले वाले चार्ज को लाएंगे तो क्या बताओ वर्क डन कितना होगा, अगर पहले चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, पहले चार्ज में पहले से वहां पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, पोटेंशियल नहीं होगा तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग फर्स्ट चार्ज इक्वल्स टू जीरो, पहले चार्ज को ला लो पहले से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा पे, या फिर कहें तो कोई पहले से चार्ज नहीं होगा वहां पे, जब पहले से चार्ज ही नहीं होगा तो डेल्टा वी जीरो होगा, डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। जब Q2 को लाओगे तो यहाँ पे ऑलरेडी Q1 रहेगा और Q2 का वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, तो चलो देखते हैं क्या होगा फॉर्मूला। अगर हम बात करें V1 का पोटेंशियल कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और डिस्टेंस क्या ले लेते हैं R12, ठीक है, R ले लेते हैं डिस्टेंस, Q1 अपॉन R के इक्वल हो गए डिस्टेंस, या फिर उसको मान ले लो इसको ट्रुथ R12 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम बात करें वर्क डन बाय ब्रिंगिंग फॉर ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज, तो वर्क डन बाय ब्रिंगिंग सेकंड चार्ज कितना हो जाएगा, V1 जो पहले वाले चार्ज को लाया उसका पोटेंशियल और प्लस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय Q2 दूसरे वाले चार्ज को ला रहे, मीन्स Q into V होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आप फॉर्मूला को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, क्या हो गया फॉर्मूला W2 का, Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखो अगर मल्टीपल चार्ज, ये वर्क डन W1 हो गया, ये W2 हो गया, W3 भी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जितना पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा उसको इसके साथ जोड़ देंगे, फिर हम लोग इस तरीके से नंबर ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे। ओवरऑल अगर नंबर ऑफ चार्ज हम लोग इंफिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे ला रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/4 नंबर ऑफ चार्ज को, पहले कौन कौन से चार्ज ले लेते हैं, Q1 Q2, तो डिस्टेंस क्या होगी Q1 Q2 के लिए, R1 R2, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई दूसरा वाला चार्ज
मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ऐड दूसरा चार्ज आएगा उसको Q1, ठीक है, नहीं Q2 था यहाँ पे हमारे पास Q3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा R23, उसके बाद Q3R4, ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला Q4R3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ जो चार्ज आएंगे रेडियस का रिलेशन आपस में ऐड होता चला जाएगा। ये होता हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।